हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टेयर्स पे आपका स्टोन लगता है उसके बारे में कि वो कितनी थिकनेस का होता है। तो मैं एक यहाँ पे साइट पे आया हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे ये स्टेयर बन रही है आपकी, ये स्टेयर यहाँ पे इस पे ब्लैक कलर का स्टोन लगाया है यहाँ पे, जो यहाँ पे ये वाला आप स्टेयर का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ये है 6 इंचेस का, जो स्टेयर जो कंस्ट्रक्शन हुई है 6 इंचेस का स्टेयर है यहाँ पे, जो थिकनेस है, जो हाइट है आपके राइजर की, जो ये राइजर होता है ये आपकी हाइट है अराउंड 8 इंचेस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो आपका ट्रेड है वो है आपका 11 इंचेस। जो आपका स्टोन लगता है तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला 10 mm का, यहाँ पे जो आपका स्टोन लगा हुआ है ये आपका 10 mm का है, 1 cm। और इसको हम बोलते हैं, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो इतना पार्ट आगे निकला हुआ है इसको हम बोलते हैं नोजिंग लेंथ। ये आपका 10 mm की नोजिंग लेंथ है। यहाँ पे आप देखोगे जो राइजर पे आपका स्टोन लगा है वो तो लगा है 10 mm का, और जैसे ही आपका ट्रेड पे स्टोन लगाया गया है तो एक टाइल ऊपर है 10 mm की और इसके नीचे एक टाइल को मोल्ड करने के लिए लगाया गया ताकि इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाए। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे ये आपकी टाइल यहाँ पे नीचे लगाई है ताकि ये वाली थिकनेस आपकी इंक्रीज हो जाए। यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन इजिली देख सकते हैं, ये नोजिंग लेंथ है, ये राइजर है, ये आपका जिसपे पैर रखेंगे वो ट्रेड है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से हल्की सी घिसाई की हुई है, ये होता है कि आप चैम्फर डाल सकते हो। चैम्फर होता है कि प्लेन में आप इसकी कटिंग करते हो, और अगर फिलेट लगाना है तो राउंड में आप कटिंग कर सकते हो। तो ये आपकी मोल्ड का एक पार्ट होता है स्टेयर का, ताकि वो कॉर्नर ना बने और वो किसी को हर्ट ना करें। क्लियर? तो आप यहाँ पे स्टेयर को इजिली देख सकते हो कि कैसे कैसे यहाँ पे बनाया गया है, कैसे स्टोन लगाया जाता है, कितना पार्ट यहाँ पे होता है। तो ये सारी चीजें हैं स्टेयर का। ये आपका 8 इंचेस है जो आपका राइजर है। क्लियर? और उसके बाद साइड का आप स्कर्टिंग देख सकते हो इसकी, कुछ इस तरीके से स्कर्टिंग का यूज किया गया। 4 इंचेस की स्कर्टिंग है जिसको यहाँ से कंटिन्यूटी में ऊपर की तरफ लेके जाया गया है। तो ये था स्टेयर की हल्की सी डिटेल। स्टूडेंट पूछते थे इसके बारे में, उनको नहीं पता था कि किस तरीके से इसकी डिटेल की जाती है। तो यहाँ पे इसके नीचे आप इस तरीके से छोड़ सकते हैं एरिया, इस पे यहाँ पे आप कबर्ड्स वगैरह बना सकते हैं, डोर लगा सकते हैं स्टोरेज पर्पस के लिए, और इस तरीके से आप जिगजैग स्टेयर को यहाँ पे ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपकी लैंडिंग आ जाएगी, इस लैंडिंग से इस तरीके से ही आप उस ऊपर स्टेयर को चढ़ा सकते हैं कुछ ऐसे। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें।